नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार रोहित शर्मा बनाएंगे खुद का स्टेडियम। 138 मीटर होगा उसका डायमीटर और वहीं दोस्तों यहां पे होगा उसका शिलान्यास। तो ऐसे में आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि यहां पे एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो वहीं अगर आप भी रोहित शर्मा को एक महान बल्लेबाज मानते हो तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रोहित शर्मा को बहुत ही अधिक समय का आराम दिया है और इसीलिए वह श्रीलंका के खिलाफ T20 श्रृंखला नहीं खेलेंगे। तो वहीं हम आपको बता दें कि श्रीलंका के खिलाफ जो पहला T20 मुकाबला था वो कल गुवाहाटी में खेला जाने वाला था, लेकिन दोस्तों बारिश के कारण वो नहीं खेला जा सका, जिसके चलते पहला जो T20 मुकाबला था वो रद्द हो गया। तो वहीं दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत के सीमित ओवरों के उप कप्तान ने आईपीएल 2019 से लेकर भारत के वेस्टइंडीज दौरे तक पूरे 2019 में लगातार क्रिकेट खेला और ऐसे में रोहित शर्मा को इसके बाद एक बड़े आराम की जरूरत थी और उन्हें अब बीसीसीआई ने आराम दिया। तो लेकिन दोस्तों इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि जब भी विराट कोहली को आराम दिया जाता था टीम से, तब रोहित शर्मा ने टीम इंडिया का नेतृत्व किया कप्तान के तौर पर। और इस बीच तेज तर्रार सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने शुक्रवार को हैदराबाद के हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट में एक प्रशिक्षण केंद्र सहित एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी। जी हाँ दोस्तों, आइए चलिए पहले हम आपको बताते हैं कि ये कैसा क्रिकेट स्टेडियम है। दोस्तों उल्लेखनीय यह है कि रोहित शर्मा के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम का नामकरण किया गया है और ये जो सुविधा होगी वो संस्थान के युवाओं को उनके क्रिकेट कौशल को ठीक करने की पेशकश करेगी। तो ऐसे में इस क्रिकेट का जो काम होगा वो क्रिकेट से जुड़ी सुविधाओं को देना होगा युवाओं को। और वहीं दोस्तों हम आपको बताते चलें कि इस एक क्रिकेट स्टेडियम में जो उसका डायमीटर यानी कि व्यास है वो 138 मीटर और ये संस्था के युवाओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही कई अवसर रचनात्मक सुविधाओं में से एक है और उन्हें प्रतिस्पर्धा टीमों के साथ साथ कई मैचों को प्रशिक्षित करने और उन्हें खेलने दिया जाएगा। तो ऐसे में यही वो क्रिकेट स्टेडियम है जो कि रोहित शर्मा के नाम पर खुला है और उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया। तो ऐसे में दोस्तों इस क्रिकेट स्टेडियम के बारे में आपका क्या विचार है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमें उम्मीद है कि आपको दिखाई गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना मत भूलना और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।